अच्छा डीपी शास्त्री जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, क्या कुछ कहता है आज का ज्योतिष, क्योंकि भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है दुनिया में। बहुत सारी शुभकामना, बहुत शुभ आशीर्वाद। पावन महीना चल रहा है और चंद्रमा मनसो जाता चक्षु हो सूरजो अजायता। भगवान का जो हम लोग वेद मंत्र के पाठ करते हैं, चंद्रमा को माँ का सुख का कारक माना है और आज विशाखा नक्षत्र है, तुला में चंद्रमा का गोचर है केतु के साथ, और साथ में सिंह में आज जो है सूर्य की स्थिति बनी हुई है। मकर लगन और कुंभ लगन में लैंडिंग होगा जी। ये दोनों लगन में योग कारक शुक्र बनेंगे। शुक्र की स्थिति अच्छी है केंद्र में, देव गुरु बृहस्पति भी मंगल के घर में बैठे हुए हैं, चंद्रमा अगज केसरी योग है, एक हाथ में एक सिंह के समान है। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर मकर और कुंभ का कम से कम ये योग बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ऐसे में डॉक्टर हरलीन कौर जी, आपके पास आऊँगा। हरलीन कौर जी, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? हरलीन जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? आपको आवाज़ आ रही है डॉक्टर हरलीन कौर? मैं, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो मैम, आप सुन पा रही हैं मुझे? मुझे आपकी वॉइस आ रही है। ठीक, आपकी आवाज़ भी आ रही है दर्शकों तक। मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि देखिए चंद्रमा का ज्योतिष से बहुत गहरा और पुराना नाता है, और आज चंद्रमा पर ही विक्रम रोवर लैंडिंग करने वाला है, क्या कहता है आपका ज्योतिष? हाँ जी, ज़रूर। देखिए, सबसे पहले चंद्रमा से तो हम सबका ही बहुत गहरा नाता है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ देख पाते हैं रात में जिसमें सब कुछ डार्क है, ब्लैक है, और एक चंद्रमा है जो हमें बहुत क्लियरली दिखता है। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोग अटैच हैं। तो आज का दिन तो बहुत ही एक इंडिया के लिए एक प्राउड डे रहेगा। तो कल भी जैसे मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि ये लैंडिंग हो जाएगी, मगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो रहेंगी, वो जो दिखता है कि मॉर्निंग में कहीं ना कहीं कुछ अड़चने आई होंगी, कुछ चैलेंजेस आए होंगे, टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे करने का कोशिश रही होगी, मगर फाइनल सक्सेस दिखता है। जो कार्ड्स हैं फाइनली वो यही कहते हैं कि जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही रहेगा, सही होगा। तो फैसला सही ऐसे टाइम पे जब लास्ट मोमेंट को देखा जाता है कि कैसा रिजल्ट होगा, तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वक्त डिसीजन बिल्कुल सही लिए जाएंगे, तो काफी हद तक हमें ये आज का पॉजिटिव साइन दिखता है। बिल्कुल, ये ज्योतिष के जरिए आप समझाने की कोशिश कर रही हैं, और चूंकि विज्ञान लगातार अपना काम कर रहा है और वहाँ पर भी कुछ इस तरह की गतिविधियाँ हैं, इसीलिए माना भी जा रहा है हरलीन कौर जी की प्लान बी भी तैयार करके रखा जाता है प्लान ए के साथ। मैं डॉक्टर वाई राखी जी के पास जाऊँगा। मैम, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज़। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जैसा कि अभी हरलीन कौर जी ने कहा कि समय को लेकर कुछ बदलाव हो सकता है, मैम आप लंबे अरसे से इस चीज को रिसर्च कर रही हैं और देख भी रही हैं, विक्रम रोवर की सफल लैंडिंग को लेकर आप का ज्योतिष क्या कहता है? देखिए सर, मेरा ज्योतिष, मैंने 13 जुलाई 2023 को अपने इंस्टाग्राम पेज पर जाकर जिस दिन ये उड़ान शुरू हुई थी उसी दिन बोल दिया था कि हम सक्सेसफुली सक्सेस होंगे। आप जाकर मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, ये बात मैंने उसी दिन बोल दी थी। और सक्सेसफुली होने के कारण बता दूं, आज के पंचांग पर जाएंगे तो तिथि सप्तमी है, सात नंबर की तिथि बनती है। सप्तमी तिथि का मतलब होता है हर इंसान के, जैसे इंसान सात होते हैं, सात जन्म होते हैं, सात फेरे होते हैं, और सात नंबर जो तिथि है वो बेहद शुभ है। विक्रम संवत 2080 जो है वो केतु का साल है। केतु चमत्कार करता है, आपको राजा बना देता है, आपको रंक बना देता है, तो पूरे विश्व में भारत का नाम तो केतु जरूर करवाएगा। शुक्ल पक्ष है और उसके बाद चंद्रमा तुला राशि में है। चंद्रमा अपने स्वह घर के अंदर है, बहुत मतलब चंद्रमा का तुला राशि में होना शुक्र के साथ बहुत अच्छी युक्ति बनाता है। उसके बाद खास बात यह है कि आज सूर्य जो है वो सिंह राशि के अंदर है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है ना कि सारी कायनात मिलकर मदद कर रही है चंद्रयान की। लेकिन फिर एक बात और कहना चाहूंगी, जब इतनी सारी चीजें पॉजिटिव हो तो कहीं ना कहीं नजर भी जरूर लगती है, तो भाई प्लीज नजर मत लगाइए और आराम से लैंडिंग होने दीजिए, और बिल्कुल सक्सेस मिलेगा भारत को, और भारत को सक्सेस मिल गया। ठीक है, क्योंकि
कहा जाता है पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं, और जिस दिन आपने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो अपलोड किया उसी दिन आपने बता दिया था कि अब तो हम सफल हो ही गए, भारत का डंका विश्वभर में बजने वाला है। मैं पंडित प्रकाश जोशी जी के पास जाऊंगा। सर आपको आवाज मिल रही है मेरी जोशी जी? ठीक है, डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर पर, और आज का दिन गौरवमयी दिन है और ऐतिहासिक लम्हा क्षण है। हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उस पल के साक्षी हैं हम लोग जब उस काउंटडाउन को देख रहे हैं, और शाम 6:04 पर जब विश्व में डंका बजेगा भारत का, हिंदुस्तान का। सर साइंस के साथ साथ ज्योतिष का भी बहुत बड़ा महत्व है, और आप लोग जिस तरीके से रिसर्च करते हैं और बताते हैं, जैसा कि राखी जी ने भी बताया, कौर जी भी हमें बता रही हैं, और डीपी शास्त्री जी भी बता रहे हैं, आपका ज्योतिष क्या कहता है? सर आप किस तरह से देख रहे हैं इस भारत के इस गौरव के दिन को? वंदे मातरम, जय हो भारत की, जय हो चंद्रयान की। हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, आज की पीढ़ी जो साक्षी होंगे, ये पूरा विश्व कटकी लगाए हैं हमारे भारत के ऊपर में, और जिस प्रकार से भारत अपने प्रत्येक क्षेत्र में भी जिसका डंका बज रहा है जी। आज पुनः एक नए इतिहास का निर्माण होने जा रहा है। तो जैसा सभी ने बताया, मैं उसी बात को रिपीट करूंगा, लेकिन अपने शब्दों में हम थोड़ा एक महीना लगभग पीछे चलते हैं, और 14 जुलाई की बात स्मरण कराऊं, जब हरिकोटा में जब यहां से प्रक्षेपण किया गया था 14 जुलाई 2023 और 2:35 में, जब उस समय की कुंडली निर्माण की जाए, यानी एक बालक का जब जन्म होता है वह हमारे लिए बहुत ही निश्चित होता, महत्वपूर्ण होता है जी। तो उस समय के लिए हम बात करते हैं, तो वृश्चिक लग्न थे और तुला राशि थी। वृश्चिक लग्न के स्वामी जो कि एक जल तत्व के हैं और बहुत ही तेजस्वी ग्रह माने जाते हैं जी। और ये अनुसंधान इन्हीं के क्षेत्र में आता है। भारत एक बहुत बड़ा अनुसंधान कर रहा, रिसर्च कर रहा है जी। तो उस समय वृश्चिक लग्न के समय ये राशि हुई। उसके बाद जब बातें करें, कभी हरलिंग ने ये भी बताया कि तुला वृषभ राशि, तुला अपने शुक्र की राशि पर उच्च का होकर विराजमान होना ये बहुत बड़ा संयोग है, और ये उच्च राशि में होना मतलब उस बालक का जिसका जन्म हो रहा है विक्रम का, उस समय इसकी आज जो उसका रिजल्ट आना है ये अवश्यंभावी है कि बहुत ही पॉजिटिव आना है जी। हम एक भी ये भी बात करेंगे कि भारत, अब हमारी भारत के लिए विशेष क्या है, पूरे विश्व के लिए जो है, लेकिन भारत को क्या लाभ प्रदान करेगा इसकी लैंडिंग से, यह भी अब एक बार अवश्य इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बोलूं कि आज की जो कुंडली बनती है मकर लग्न की, और मकर लग्न के स्वामी जो शनि देव हैं वो धन स्थान पर बैठे हैं, तो भारत को सबसे पहला कहा जा सकता है कि और की चीजों के साथ में आर्थिक लाभ में भी, जो हम जीडीपी की बात कर रहे हैं कि नंबर तत्व और विश्व में अभी और आगे जाने की, तो ये बिल्कुल प्रमाणित हमारा ज्योतिष शास्त्र कर रहा है कि हमारा और भी हम रेस करेंगे और आर्थिक स्थिति हमारी और भी सुदृढ़ होगी। सिंह राशि पे स्वगृह बुध का, सूर्य का होना बुध के साथ में, चंद्रमा तुला राशि पर है, या फिर आज हमें संकेत दे रहा है कि आज की भी लैंडिंग बहुत ही अच्छी होगी, सॉफ्ट लैंडिंग जो साउथ पोल पर होनी है, और ये बहुत अच्छा इसका परिणाम भी आएगा जी। विशाखा नक्षत्र था उस दिन, जो गुरु की राशि है, ये हमारे आध्यात्मिकता को, शिक्षा के क्षेत्र में, इन चीजों में उन्नति को दिखलाता है। और पुनः बात करूं कि रोहिणी नक्षत्र में जब यदि चंद्रमा है, तो उनकी अगर 16 रानियां थी चंद्रमा की, जिसमें सबसे प्रिय उनकी रोहिणी थी, तो रोहिणी का भी होना बहुत ही विशेष संयोग है, और ये सारे संयोग मिलकर हमारी उन्नति को दिखला रहा है। और एक बात और बोलूं, बड़ा अच्छा है, कभी एक संदेश आ गया व्हाट्सएप पे कि जैसा हमारी भारत की मानसिकता है, धरती माता की, धरती से हम चंदा मामा को विक्रम के माध्यम से रक्षाबंधन भेजा गया है, ये सुनने वालों को बड़ा अच्छा लगेगा, कम से कम आज की पीढ़ियों को, हम बचपन से चांद को चंदा मामा बोला जाता रहा है, धरती माता है, तो धरती माता ने चंद्रमा को, चंदा मामा को राखी भेजी, विक्रम के माध्यम से राखी भेजा। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं डीपी शास्त्री जी के पास जाऊंगा। सर आपको आवाज मिल पा रही मेरी जी?
भारत जी, सभी ने एक बात अच्छी कही कि सारे योग ऐसे बन रहे हैं ज्योतिषाचार्य के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, कि सफल लैंडिंग होनी है और विश्व में भारत का नाम होना है। उसके बाद की क्या स्थिति बन रही है, जो अभी स्वामी दिव्यानंद जी ने हमें बताया कि बहुत लाभ होने वाला है भारत को, किस किस तरीके का लाभ सर आप डिफाइन करते हैं? सखा पे स्थापित होने वाला, इस नक्षत्र में जो कार्य किया जाए विशेष माने लंबे समय तक फल देता रहता है। उस नक्षत्र का बता देता हूँ, कुछ कम्युनिकेशन नक्षत्र से है, सर आपकी आवाज़ जो है वो दर्शकों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर से कोशिश करूंगा सर एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की। हरलीन कौर जी आपके पास आऊंगा। मैम आप किस तरह से देख रही हैं सफल लैंडिंग के बाद भारत के लिए कितना लाभकारी, कितना फलदायक होगा ये मिशन? जो कार्ड मैंने अभी ओपन किए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो कार्ड आया है ये सन का, एनर्जी का है, पावर का है, तो इसके बाद जो हमें फायदा होगा या इसको हम कहेंगे कहीं ना कहीं कुछ और ग्रोथ के चांसेस रहेंगे, बहुत रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी रहेगी, रिलेशंस काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और कोई टाइम एक ऐसा रहेगा, देखिए कभी कभी कोई एक सिचुएशन, कोई ऐसा कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद या तो बहुत अच्छा होता है या तो कुछ ना कुछ खराब होना होता है, तो ये एक ऐसा इंसिडेंट रहेगा जिसके बाद लोगों में भी आपस में भी प्यार भाव रहेगा, लव रहेगा और कहीं ना कहीं गुड एनर्जी सीखती है, चेंज आएगा कि जो कार्ड शो करता है चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का, तो कुछ कुछ बदलेगा, जो अभी जैसा चल रहा है माहौल उसमें भी चेंजेस आएंगे। फाइनेंसिस रिलेटेड बहुत बहुत पॉजिटिव दिखता है, मनी रिलेटेड तो काफी अच्छा रहेगा सब कुछ, फाइनेंसिस रिलेटेड भी अगर हम फाइनेंस का टाइम देखेंगे तो रिलेशनशिप्स में तो मैं 100% कहूंगी कि चेंजेस आएंगे, आपके प्यार भाव में जरूर चेंजेस रहेंगे। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हमारा ये सक्सेस रहेगा आज प्रोजेक्ट, मगर किसी किसी एक चीज के बाद कई रास्ते खुलते हैं, कई पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जैसे आज बहुत यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, सब लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, तो सबकी एनर्जी एक साथ मिलके फ्यूचर में भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएंगी जो बहुत बहुत ही एक पॉजिटिव लाइट के साथ चीजें चेंज होंगी। हरिन कौर जी ये मित्र देशों के लिए हो गया कि हमारी जो मित्रता है वो और मजबूत होगी, भारत और अपने आप को उस स्थिति में पाएगा जो शायद इससे पहले कभी मुमकिन नहीं हुआ। अमृत काल चल रहा है भारत का, 75वीं 76वीं वर्षगांठ अभी मनाई हम लोगों ने, लेकिन इस बीच जो शत्रु देश हैं, जो दुश्मन देश हैं, उनके लिए आपके कार्ड क्या कहते हैं, उन्हें किस तरह का संदेश जाएगा? देखिए अभी जो कार्ड दिखा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा करेज के साथ आगे बढ़ना होगा, थोड़ा विल पावर स्ट्रांग रखना होगा, बिकॉज आगे बढ़ना है तो अगर हमारे साइड से अगर ये रहेगा कि हम खुद से आगे बढ़ के दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे तो जरूर वो चीज होगी, बिकॉज ये कार्ड यही कहता है कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा, आगे खुद से बढ़ना होगा और उसके बाद ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का ये यही दिखाता है कि ये जो भाग्य का समय है, जो चक्र है, ये जरूर पलटेगा, घूमेगा, तो बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव चांस आगे दिखता है और ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, बिकॉज काफी टाइम से बहुत कुछ ऐसा चलता रहा है कोविड के बाद और के आसपास कि सब लोग बहुत बहुत डिप्रेस रहे, नेगेटिव एनर्जी से आसपास, तो इसके बाद तो एक आशा की एक किरण दिखती है जिसमें काफी कुछ अच्छा होने के आसपास। ठीक है डॉक्टर वाई राखी जी, आपसे ये समझना चाहूँगा कि दक्षिणी ध्रुव में विक्रम लैंडर जो है वो लैंड करने वाला है, उसके बाद 14 दिनों तक करीब ये प्रयोग करेगा सफल लैंडिंग के बाद लैंडर जो है, और वहाँ से बाकी तमाम सारी चीज़ें वो कोशिश करेगा खोजने की। आपके कार्ड, आपका ज्योतिष क्या कहता है कि किस किस तरह की चीज़ें वहाँ मिलने की संभावना है? साइंस चूंकि उम्मीद पर है कि सारी चीजें हमारे पास आए वहां से एक सबूत के तौर पर, लेकिन ज्योतिष क्या कहता है? चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक, लेकिन उससे पहले आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी। मैं आपको बताऊं कि
आप अगस्त के महीने की एनर्जीज को बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा देश जब आजाद हुआ था 100 साल की लड़ाई के बाद, तो वो अगस्त में ही हुआ था। तो हमारी लाइफ में जब भी चेंजेस आते हैं ना, वो अगस्त के महीने में आते हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि दक्षिण, हमारे यहाँ पर चार दिशाओं में दक्षिण की दिशा को हमारे पितरों की दिशा बताया जाता है, हमारे बुजुर्गों की दिशा बताया जाता है। और कहते हैं अगर हमारे पुत्रों का आशीर्वाद हमारे साथ हो तो फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होंगी। मेरा मानना है वहां पर हमें कई तरह के खनिज मिल सकते हैं, वहां से बहुत पॉजिटिव चीजें मिल सकती है। चंद्रमा, चंद्रयान का, चंद्रमा का भारत पर पहुंचने का, विश्व गुरु बनने का ये पहला कदम है। अभी तो बहुत बहुत लड़ाई है, बहुत आगे तक जाना है। तो दिस इज जस्ट अ शुरुआत। क्योंकि कहते हैं बच्चे की मुलाकात जीवन में 9 महीने पहले अपनी माँ से पेट में ही हो जाती है, उसके बाद फिर किसी से रिश्तों में होती है। तो हमने विश्व गुरु बनने के लिए जो शुरुआत की है वो सबसे पहले चंद्रमा पर विजय पाकर की है। तो चंद्रमा पर विजय पाएंगे, वहां जाएंगे सक्सेसफुली भगवान की कृपा से और उनके आशीर्वाद से, और इतनी सारी टीम, इतने सारे लोग, इतने सारे मीडिया चैनल जो मेहनत करें, इतने ज्योतिष, इतने पंडित जो पूजा पाठ हवन करें, इसमें सबका योग है, किसी एक का नहीं है, सबका है। तो ये हमारी पहली शुरुआत। और जब शुरुआत माँ से ही होना तो सक्सेस मिलनी बहुत ज्यादा होती है। बहुत सी चीजें जो दुनिया को नहीं पता वो भारत बताएगा, और बहुत सी चीजें हमें चंद्रमा से मिलेंगी जो हैरान करने वाली भी होंगी। हमें जीवन मिलेगा चंद्रमा पर, ये भी निश्चित है। और ये बातें जब हमें पता चलेंगी तो विश्व गुरु बनने का ये पहला स्टेप होगा, जो फिर अगस्त में ही होगा। क्योंकि अगस्त भारत के लिए ओए होए है, मतलब कुछ अलग ही है, हमें कुछ मिलता ही अगस्त में हमेशा। तो और पूरी दुनिया में हम एक तिरंगा लहराते हैं हमेशा अगस्त में, और इस बार भी लहराएंगे, और इस बार चंद्रमा पर लहराएंगे। अगस्त की एनर्जी को सहेज पाना भी बहुत कठिन है, क्योंकि अगस्त जो एनर्जी उत्पन्न करता है वो अपने आप में अद्भुत और कमाल होती है। भारत भाग्य विधाता है राखी जी, और भारत माँ की तरफ से चंदा मामा के लिए राखी भेजी गई है, ऐसा स्वामी दिव्यानंद जी ने कहा। आप ताल्लुक रखती हैं इस बात से? गुरु जी को मेरा चरण स्पर्श, बहुत ही उत्तम बात बोली उन्होंने, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल परफेक्ट बोला। क्योंकि चंदा के साथ हमारा अजीब ही नाता है। देखिए पिक्चरों में चांद के गाने होते हैं, वो हमारा बचपन में मामा हो जाता है, बड़ा होते होते वो महबूब बन जाता है। तो चंद्रमा में हमारा समस्त जीवन जीते हैं हम करवा चौथ पे चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो बिल्कुल सही है, बहन ने भाई के लिए राखी बांधी है। प्लस अगस्त के महीने में पहले 75 ईयर्स पहले देश में तिरंगा लहराया था, अब चांद पे लहरा रहे। इससे बड़ी संदेश भारत अगस्त के महीने में पूरे विश्व को बताइए और क्या दे सकता है। मतलब हमने 75 साल में अपने झंडे को, तिरंगे को आप देखिए कहाँ पहुंचा दिया। अब इसके आगे क्या सबूत दे कि भारतीय नंबर वन थे, हैं और रहेंगे। ईस्ट और वेस्ट इंडिया ही है बेस्ट। और नंबर बनता है आज का 5। इंडिया की स्पेलिंग जोड़ लीजिए तो बनती है 5। हर तरफ से मैंने कहा ना, पूरी कायनात ईश्वर की मर्जी के साथ। और सावन का महीना, और चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान होते हैं, वहां पर शिव भी हमारा साथ दे रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन है। देखिए सब सहयोग देखिए कितने खूबसूरत है। इसीलिए मुझे ये बात पता थी और लग रहा था और यकीन था और विश्वास था कि ऐसा होगा। क्योंकि अगस्त की एनर्जी, सावन की एनर्जी, रक्षाबंधन का होना, सावन के महीने का होना, सब और कुछ 5 अंक का संयोग बनना, ये भी अपने आप में अद्भुत है। स्वामी दिव्यानंद जी जबरदस्त। सत्यनारायण की कथा में भी 5 मिष्ठान, 5 अनाज और बाकी चीजें भी होती हैं भैया, ये भी है। मैं स्वामी दिव्यानंद जी के पास जाऊंगा। स्वामी दिव्यानंद जी, बाकी दुनिया भारत से ये सीख लेती है, सबक लेती है कि भारत में जो ज्योतिष है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी विज्ञान है। ऐसे में चूंकि हमने देखा कोरोना महामारी से बाकी मुल्कों ने बहुत कुछ सीखा हिंदुस्तान से, हमारी पद्धति को अपनाया, काढ़े को दुनिया ने अपनाया और लोग ठीक हुए, वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि विज्ञान तो है ही बाकी देशों के पास भी, लेकिन भारत के साथ साथ विज्ञान और विज्ञान के साथ साथ ज्योतिष, ये अपने आप में नहीं लगता कि ये एक अद्भुत है और बहुत सारी चीज़ों को प्रबल बनाता है। और जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आज देश भर के, क्या दुनिया भर के जो सनातनी हैं और बाकी जो लोग हैं जो हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं, वो अपने अपने तरीके से इस मिशन को सफल बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भारत विश्व गुरु जाना जाता रहा है जी, और पुनः इस रूप में भारत पुनः उभर कर आ रहा है। हम क्या, हमारी एक परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी को कुटुंब मानकर चलते हैं, पूरा संसार हमारा कुटुंब है। जिसका प्रमाण हमें कोविड के समय भी मिला कि किस प्रकार से भारत आगे बढ़कर
पूरे विश्व को अपनी ताकत में सभी को सहयोग किया। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मैं ज्योतिषी हूँ, पिछले 35-40 वर्षों से काम कर रहा हूँ जी। आज भारत के अतिरिक्त अनेकों देश है, जब कभी किसी में ये में जब बैठता हूँ तो वहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कॉल आते हैं और लोग पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ, मैं अपनी पद्धति का मैं बताऊंगा तो वो लोग बिल्कुल आपकी पद्धति को मानूंगा। वो गर्व होता है एक भारतीय होने का, भारतीय ज्योतिषी होने का गर्व होता है कि हम मार्गदर्शन, हमारे पूर्वज भी पूरे विश्व को करते रहे हैं और हम आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं और आगे और भी बढ़ चढ़ के करेंगे। आज हमारे विक्रम के सफलीभूत होने से जो नए चीजें वहां से जो मिलेंगी विक्रम को और उसके बाद जो चीजें हमारे अनुसंधान में आएंगे, हम फिर नई खोज करेंगे और नई नई हमारे अनुसंधान चलेंगे प्रत्येक क्षेत्र में और सभी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। हम तो लाभान्वित होंगे, भारत पूरे विश्व को भी हम बांटेंगे प्रसाद। ये तो हमारी परंपरा भी है और हमारी सक्षमता भी है, भारत तो सक्षम भी है और भारत का स्वभाव भी ऐसा है कि हम देना जानते हैं। हमारे पूर्व श्री राम को लीजिए, वो किसी का जीत जीत भी लिए राज और राज कराकर दे दिए, कृष्ण भी जीत लिए और दे दिए। हम तो देना जानते हैं और भगवान हमें दे, हम तो देते ही रहेंगे जी। आचार्य डीपी शास्त्री जी आपके पास आऊंगा। शास्त्री जी आवाज मिल रही मेरी आपको जी? ठीक है शास्त्री जी, अब आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि दो बार आपकी आवाज़ जो है ठीक से नहीं आ पाई थी, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपका ज्योतिष क्या कुछ कहता है आज। मैं कह रहा हूँ कि जो ग्रहों की स्थिति आज बनी है जी सर, एक विजय दिवस की गाथा लिखी जाएगी। चंद्रमा ऋषि अत्रि के पुत्र है और अनसुईया इनकी माता है। ये भूमंडल का जो संबंध है, जो सामने पावन पर्व सावन के आपको दिख रहा है, इसमें आज विशाखा नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, सतवीका नक्षत्र, गुरु के जो राशि में बैठने का है वो शनि जिस राशि में वो नक्षत्र, ये सब नक्षत्र करीब करीब मित्र के तरह फल देने के लाइन के कगार पे हैं। समय थोड़े आगे पीछे जरूर हो सकता है, बल्कि दशम घर का चंद्रमा विजय का परचम बाहर आएगा। रही बात भारत की और आईटी क्षेत्र से जो ग्राम मानते हैं, राहु का बृहस्पति से जो संबंध है वो कुंडली में फोर्थ हाउस में पब्लिक के घर में, वहां का संपदा, वहां की संपत्ति पब्लिक के पास आएगी। जो चंद्रमा पे संपदा है, जो चीज है, जो वस्तु है, जिसको हम खोज कर रहे हैं, इसरो खोज कर रहा है, अपने पूरे दुनिया की निगाह आप पे टिकी हुई है, वो आप तक पहुंचाने का काम चंद्रमा आज खुद करेगा जी। और केतु ज्ञान धर्म मोक्ष का और पुत्र संतति का कारक रह माना गया है। केतु चंद्रमा के दुश्मन जरूर है, लेकिन दशम घर में बैठ के इसके चलित कुंडली में ग्रहों की स्थिति बदल रही है, ये लोग सब इसके सपोर्ट में है जी। अन्यथा को रिजल्ट मिलेगा। एक चीज यहाँ में हम बताना चाहते हैं कि कुंडली में भागेश, दशमेश, एकादशेश, नौम घर का अधिपति, दशम घर का अधिपति और ग्यारहवें घर का अधिपति, तीनों का संयोग परिपूर्ण रूप से बना हुआ है। बुध की प्रतंत्र दशा है, बुध कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएगा और आपको रिजल्ट भी दे करके जाएगा जी। ये सब योग भारतीय पद्धति से, ज्योतिष से, कुंडली से योग दिख रहा और योग बना हुआ है जी। इस योग को हम चर्चा करते हैं। ठीक, अच्छी बात आपने बताई। हरलीन कौर जी मैं आपके पास आऊंगा। मैम कहते हैं कि कुछ क्षण इधर उधर हो या समय में कुछ परिवर्तन हो तो नक्षत्र बदल जाते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ मैम कि शुभ घड़ी जिसका हम सब लोग, आप सब लोग रिसर्च कर रहे हैं और बता रहे हैं, ये जो शुभ मुहूर्त, जब हम किसी भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव की बात हो या कोई ऐसा कार्यक्रम हो, दिवाली पे पूजा करनी हो और बाकी आप लोग करवा चौथ का जो व्रत रखते हैं उस पर आपको पूजा करनी हो, तो शुभ घड़ी एक शुभ मुहूर्त होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपका ये शुभ मुहूर्त है, इसमें आप लोग पूजा पद्धति करिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ जो 6:04 का जो समय है उस पर आप सब लोगों ने बताया अभी, लेकिन समय अगर इधर उधर हुआ, दाएं बाएं हुआ, तो ये शुभ मुहूर्त कब तक? क्या देखिए, पहले तो मैं अंक का बताना चाहूंगी जो मेरी दोस्त राखी जी ने कहा, 5 नंबर। लाइक जो अंक है, अंकों का बहुत बहुत महत्व है हमारी लाइफ में, बिकॉज कैसे नंबर से हम लोग आसपास हमेशा से घिरे हैं। 5 लाइक जैसे हम बोलते हैं कि 5 उंगलियां है ना एक मुट्ठी बनाती हैं, जैसे हमारी 2 आंखें हैं,
एक नाक है, तो कैसे अंक हमारे आसपास हमेशा है, फाइव एलिमेंट्स, पांच तत्व जो बोले जाते हैं, है ना, नाइन प्लैनेट्स, तो हर चीज अंकों के आसपास है। तो जब 14 जुलाई को 4+1 भी 5 नंबर था और आज भी 23 2+3 5, तो 5 नंबर जरूर कुछ अच्छा लेकर आएगा, ये तो उम्मीद है ही, बिकॉज उम्मीद से बोलते हैं दुनिया कायम है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी जब सब लोग रखते हैं तो जो छोटी छोटी अड़चने भी आती है ना, तो वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि जब बोलते किसी को कोई ब्लेस करता है या आशीर्वाद देता है तो कुछ नेगेटिविटी हमारी बॉडी से हटती ही है। तो ऐसे ही जब आज सब प्रेयर कर रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ हम जरूर सफल होंगे, तो ये जो एक वर्ड है, जो एक आशा है, हम जरूर सफल होंगे, आज वहाँ पे तिरंगा लहराएगा, तो ये सब इमेजिन कर रहे हैं। जैसे मैं एक हीलर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं सबको यही कहती हूँ कि आप तो कार्ड के जरिए लोगों की किस्मत बता देती हैं, मैं इमेजिन कीजिए। तो आज जो सब लोग इमेजिन कर रहे हैं वो तो पूरा होगा ही, ये जो कार्ड आया है सेलिब्रेशन का, और सेलिब्रेट करेंगे, अच्छा रहेगा। सी टाइम थोड़ा सा आगे पीछे अगर होता भी है वो चलता है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर 6:04 है तो सिर्फ वही एक घड़ी है जो पॉजिटिव होगी, फ्रूटफुल होगी। मैंने इसलिए पूछा मैम, इसलिए पूछा, हालांकि राखी जी से भी मैं पूछूंगा ये बात, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि समय थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो बच्चे जब पैदा होते हैं उसमें मांगलिक वांगलिक वाला लफड़ा लग जाता है कई बार, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। मांगलिक तो डॉक्टर राखी जी देखेंगे कुंडली से, मगर अगर मैं टाइम देख पा रही हूँ अपने पेंडुलम से, तो 6 से 8 बजे तक का टाइम पीरियड भी काफी अच्छा है, मगर थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे जरूर हो सकता है जैसा कि मेरे को दिखाई देता है, मगर वो मॉर्निंग का डिसीजन था उनका, जो उन्होंने सुबह डिसाइड किया था अगर कोई अड़चन आई थी, कोई प्रॉब्लम आई थी, तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है कार्ड में, जो एक बिकॉज इंटरनल बात, यानी ये माना जाए कि आपका जो कार्ड है वो बता रहा है कि सेलिब्रेशन का समय है भैया, बाकी चीजें छोड़िए, सेलिब्रेट की तैयारी करिए, बस शाम होते होते ठीक है। डॉक्टर राखी जी, मैम आपसे ये समझना चाहूंगा, जो प्रश्न मेरा था वो हरलिन कौर जी ने उसे दूसरे ढंग से पेश किया, उन्होंने कहा कि देखिए समय का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कितने बजे से कितने बजे तक शुभ मुहूर्त, हालांकि चूंकि अब गणना इसलिए हो रही है कि इसरो ने ये तय किया कि 6:04 पर हम विक्रम लैंडर को लैंड कराएंगे, वहां से चीजें शुरू होती हैं, वहां से ज्योतिष शुरू होता है, और उससे पहले ही 5:45 से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मैम नीचे आने की। जी आसमान, जब एक बच्चा, जी जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में जन्म लेता है तो वो 9 महीने की जर्नी करता है, 9 ग्रह होते हैं हमारे। मेरा बच्चा हरलीन ने बहुत अच्छी बातें बोली और शी इज माइंड ब्लोइंग, शी इज सेइंग परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन आप जो ये 6:05 की बात कर रहे हैं, 4 मिनट की बात कर रहे हैं, चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। 6 शुक्र का नंबर होता है और शुक्र ओए होए फिर से हमेशा सक्सेस, नेम, फेम, यश, पैसा दिलाता है। अब मैं 6 में 4 जोड़ लूं तो बनता है 10 नंबर, यानी सूर्य का नंबर, और हम सूर्य को पिता मानते हैं जो कि सभी ग्रहों को ताकत देता है हमारे पिता के बराबर, और पिता अपने बच्चों को हमेशा कुछ देता ही है, इज इट। अब मैं कहूं कि ये 6:04 पर शाम तक जाते जाते 15 मिनट पर हो जाए, तो 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, नंबर बनता है 6 फिर से, ठीक है। तो आप अभी की जर्नी को मत सोचिए कि 6:05 की जगह पे 10 मिनट हो गया तो कोई फर्क पड़ जाएगा 15, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबे टाइम से शुरू हो चुकी है। जैसे गर्भ में बच्चा अब बन चुका है, वो बेटा है या बेटी, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड, इज इट, तो वो तो लैंड होना ही है। अब अगर नंबर आगे पीछे हो जाए, हम आज लैंडिंग ना करके 27 को कर ले, ऐसे पीछे खबर आ रही थी कि हो सकता है कि लैंडिंग 27 को चेंज हो जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क अब जो होना था ना, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, जब परमपिता परमात्मा इतनी लंबी जर्नी करते हैं ना, आपने वो सफर सुना होगा, जब इंसान अपने सफर पे चलता है ना, एग्जैक्टली मंजिल के पास आके थकता है, तो हमारे अपने के बस हो गया, हो गया, बस पहुंचने वाले हैं, अभी अभी बस पहुंचने वाले हैं, तो बस वही हिसाब है सर। आप बिल्कुल जो है न्यूमरोलॉजी, अंक, ज्योतिष और जो अंकों की रहस्यमय दुनिया, आज सब आपका साथ दे रहे हैं, और कर्म, जस्ट बिलीव इन कर्मा, अगस्त का महीना, सावन का महीना, आपकी हम सबकी दुआएं और लोगों का पॉजिटिव सोचना, ये पूरी दुनिया एनर्जी से बनी हुई है। तो बस आप ये कहिए, बातें हैं जो आप इतने सरल तरीके से तमाम दर्शकों को समझा पा रही हैं, एक माँ की जर्नी, एक बच्चे की जर्नी किस तरीके की रहती है, कोख से लेके और पैदा होने तक, वो आपने बताया। डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उस बीच आचार्य डीपी शास्त्री जी कुछ शायद दिखाना चाह रहे हैं, जो वो पूजा पाठ किस तरह से वहाँ पर चल रहा है, उनके यहाँ कैसे हवन पूजन वो कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके पास जाऊँगा सर, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन जो राखी जी ने कहा कि जच्चा बच्चा दोनों भैया सकुशल हैं, और ये मान लीजिए कि बिल्कुल अब लड्डू बटने की तैयारी है, ठीक है। मैं डीपी शास्त्री जी आपके पास आ रहा हूं सर।
मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ जो लोग पूजन किए हैं जी, आज यज्ञ कर रहे हैं सप्तमी तिथि में, जो मंगल के प्रतीक है ऋषि अत्रि के जो पुत्र हैं, वो चंद्रमा का आकार, चंद्रमा का पूजन, चंद्रमा के मंडप और चंद्रमा के समकक्ष ये जप कर तप करने वाले ब्राह्मण लोग हैं, आप एकत्रित हो हैं। देखिए इन लोगों को, ये लोग बैठ करके चंद्रमा के जप कर रहे हैं, श्री हरि भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, अभिषेक भी किए हैं कि एक कार्य सिद्ध हो, सनातन बराबर सबको परोपकार के भावना से देखता है जी। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं कछो बिमाई, आचार्य जी भी इसमें बड़ा सहयोग किए हैं और रुद्राष्टधाई का मंत्र का अभिषेक किए हैं, गंगा जल दूध से पंचाभिषेक किए हैं। देखिए चंद्रमा अगर ठीक है तो जीवन सबका ठीक है, चंद्रमा ठीक है तो राष्ट्र भी ठीक है। आज जो हमारा भारत है एक विश्व गुरु के पथ पे है और विश्व गुरु के पथ पे चल करके एक धर्म ध्वज के रूप में आज कार्य कर रहा है। मैं ही बताना चाहता हूँ आपके चैनल से माध्यम से, बिल्कुल सर, देव गुरु की कृपा प्राप्त हो। बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात कही, मैं स्वामी दिव्यानंद जी के पास जाऊंगा। महाराज अभी डीपी शास्त्री जी ने कही, देखिए चंद्रमा जो है बहुत महत्वपूर्ण है सबके जीवन में। आज तो हिंदुस्तान के हर एक मानस के अंदर क्या कुदरत का जो भी करिश्मा है हिंदुस्तान पर, जितना भी जीव पद्धति है वो सबके लिए आज चंद्रमा है जी। चंद्रमा मनसो जातक, यह हमारा शास्त्र कहता है, चंद्रमा मन के कारक है। जितने भी नवग्रह आदि है वो किसी न किसी हमारे शरीर के किसी अंग के या किसी वस्तु विशेष के द्योतक है। मन को संचालित करने वाला चंद्रमा है, यह प्रमाणित होता है कि जिस दिन फूल मून पूर्णिमा होता है उस दिन ज्वार भाटा आते हैं, है ना। तो यही हमारा शास्त्र है जी। कि एक पर्टिकुलर दिन ही मोर क्यों नाचता है। हम देखेंगे कि जितने भी कोई अपराधी हो या फिर एपिलेप्सी के पेशेंट हो या कोई पागल हो मानसिक रूप से जो विक्षिप्त, देखेंगे पूर्णिमा के दिन वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। तो ये सारी चीज जो है चंद्रमा के द्वारा संचालित होता है जी। तो जब चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है, चंद्रमा की जब हम बात कर रहे हैं, या तो हम जिस दिन जन्म हुआ था विक्रम का 14 जुलाई की बात करें, या आज दिन जिस दिन डिलीवरी की बात है हम इसकी बात करें, हम दोनों ही बात जब देखते हैं तो फिर देखते हैं कि सारे संजोग हमारे, अभी आचार्य जी ने 7 नंबर की बात कही, विक्रम के साथ में 3 जुड़ा हुआ है चंद्रयान 3, या फिर तारीखों की बात हम करते हैं या फिर ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं, नक्षत्र भी और सारे ग्रह दोनों दिनों का, या तो 14 जुलाई की बात करें या आज 23 अगस्त की बात करें, सारे संजोग। अभी जब तक मैं गैप में बैठा था तो वही मैं विश्लेषण कर रहा था दोनों को कंपेयर करके, ये सारे सही में लड्डू बटने की बात है। और रह गई एक बात, जैसा आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, राखी जी की बात मेरे तक आ नहीं पा रही थी, वन साइड आवाज थे मेरे जी। तो मैं उसके ये बताऊं, कभी कभी एक आम प्रश्न, बहुत सामान्य प्रश्न है कि अगर कुछ सेकंड मिनट भी अगर बदल जाते हैं तो कुंडली बदल जाती है। बिल्कुल, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि लग्न पहला मुख्य रूप से लग्न देखते हैं जो लगभग 2.25 घंटे का होता है। यदि बॉर्डर में है, टाइम बदल गई, कुंडली बदल गई, तो सारा कुछ बदल गया। यानी आपका जो मूल प्रश्न था कि लैंडिंग में यदि कुछ यदि विलंब होता है, विलंब होता तो कुछ मिनटों का होगा, घंटों में नहीं होगा, तो उतने में कोई फर्क नहीं पड़नी है। जो सारे संयोग आज मिले हैं अभी और दोनों तिथियों की, वो संयोग रहेंगे, थोड़ा विलंब भी हो जाए तो लड्डू तो बिल्कुल निश्चित बनती है, लड्डू तो बिल्कुल। डॉक्टर हरेन कौर जी, आपके पास आऊंगा मैम। कि जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जी, वही कार्ड मेरा हाथ में था जो मैं अभी एक बता रही थी, जब उनका मैसेज आया उससे पहले यही कार्ड मैंने पकड़ा हुआ था। तो ये कार्ड शो करता है रीयूनियन को, फैमिली टर्म्स को, कि एक फैमिली की तरह सबके साथ एक रीयूनियन कीजिए, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को। तो ये मैसेज रहेगा, यही मैसेज आया है जो मेरे कार्ड मैसेज दे रहे हैं कि सपोर्ट करिए एक दूसरे का, एक सबके साथ मिलकर रहिए फैमिली की तरह, फैमिली यूनियन की तरह। और बहुत सारे ऐसे ओवरसीज ट्रिप होंगे जो बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, तो आई होप सेम मैसेज है जो अभी वो कह रहे थे, उसमें भी उनका यही एक मोटो था। तो बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है और वो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी नेगेटिविटी है, वो भी दूर हो जाए, तो यही मैसेज है। ठीक है, वही राखी मैम, आपके पास आऊंगा।
आप जो संदेश देना चाहें, अब तक चूंकि मैंने आपसे सवाल पूछे, उनके जवाब आपने बखूबी दिए और बहुत सरल भाषा में, मैं चाहता हूं कि आप अब अपने शब्दों को उद्वत करें और बताएं कि आज का दिन हमारे लिए कितना खास, कितना महत्वपूर्ण, और हमारे लिए चंद्रयान 3 की विशेषता, चंद्रमा पर लैंडिंग, और जो आपने बताया कि सावन चल रहा है, 15 अगस्त आज़ादी वाला ये मंथ है, और 15 अगस्त की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है इस माह की, उसके बारे में जी एक बड़ा संदेश। देखिए ज्योतिष हूँ और ज्योतिष की बात करूंगी। चंद्रयान अगर पहुंच रहा है ऊपर, मेरा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन मेरे देखने वाले, मेरे फॉलोवर्स, मेरे यूट्यूबर्स, उनको चंद्रमा के वहां पहुंचने से क्या फायदा होगा? मेरे देश को होगा तो मुझे भी होगा। लेकिन आज पहली बार भारत की एनर्जी सक्सेसफुली चंद्रमा पर पहुंची है। तुरंत बाहर निकलना, चंद्रमा को प्रणाम करना, एक दिया जलाना और अपनी इच्छा बोलना। आप बोलना, चंद्रमा मैं वहां तो नहीं हूं, लेकिन मेरे देश की एनर्जी आज आपके पास है, मेरी ये इच्छा इसे पूर्ण कर दो, और ढोल बजाना, नाचना, गाना। आज वो माहौल होना चाहिए जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच में होता है, उससे भी जबरदस्त होना चाहिए। हर घर में भारत के तिरंगे को लहराना चाहिए, डांस, गाने, नाचने और देशभक्ति के गीत गूंजने चाहिए, ओए होए वाला मजा आना चाहिए। तो ये सब करिए, क्योंकि अगर आप देश की तरक्की में नाचते हैं तो देश आपको तरक्की जरूर देता है। तो जुड़े रहिए, हम देश से है, देश हमसे नहीं है, जो देश है तो हम है। तो ये जरूर करिए, सैल्यूट है पूरी टीम को जिन्होंने ये पूरा का पूरा कवरेज किया, हमारे देश का नाम रोशन किया, उन सब का धन्यवाद करना चाहती हूँ, दिल से शुक्रिया। बिल्कुल, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इसरो में बैठकर दिन रात खपाकर इस पूरे मिशन को उन्होंने तैयार किया, और उन्होंने सर उनकी फैमिली के लिए भी, बिल्कुल, और इस चंद्रयान को गर्भ में स्थापित किया, और 14 को हमें ये पता चला कि माँ के पेट में एक बच्चा है, बालक है, जो 23 अगस्त को वहाँ जाकर अपना जन्म होगा उसका, और उसके बाद हम मंगल गाएंगे, खुशियाँ और बधाइयाँ एक दूसरे को देंगे। लेकिन इस बीच में मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, पाकिस्तान चूंकि कभी भी भारत को लेकर कोई पॉजिटिव बात नहीं करता, लेकिन अब तो बधाई दे रहा है भारत को और कह रहा है कि हमको भी लाइव दिखाओ भैया। बेटा अपने पिता को कितना भी गलत समझे, एक दिन उसे समझ में आ जाता है कि पापा सही थे। हाँ, अच्छी बात कही आपने। डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, आपके पास आऊंगा। आप सर अपने शब्दों में बड़ा संदेश देने की कृपा करें प्रभु, आज के दिन को लेकर। सबसे पहले संपूर्ण भारतवासियों को, इसरो के सभी विभाग के सभी सदस्यों को, इसरो परिवार के सभी सदस्यों को, आपको, आपके पूरे टीम को, पूरे पैनलिस्टों को बारंबार बहुत शुभकामना कि एक नया इतिहास भारत रचने जा रहा है। भारत विश्व गुरु का सिंहासन होने, विराजमान होने पर हम पुनः एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है ये। भारत एक नई करवट बदल रहा है और भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ने जा रहा है। सभी को बहुत शुभकामना, प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते दिख रहे हैं, बारंबार संभव। 140 करोड़ भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में है, आज विदेशी जमीन पर हैं, और भारत एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है सर, ऐसे में इस कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, और बाकी देशों के बीच आज भारत का मान सम्मान गौरव का दिन है, और वहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी किस तरह का संदेश? ज्योतिष शास्त्र में शकुन शास्त्र भी एक हमारा विषय है जी। शकुन शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे जो देश के अभिभावक है, ये जो 140 करोड़ का एक हमारा परिवार है और हमारे जो गार्जियन है वो इस समय में भारत में है सशरीर, और उनका मन वो भारत में इस कार्य पर लगा हुआ है अपने परिवार के ऊपर। ये कनेक्शन जो दिख रहा है, यही दिख रहा है कि पूरे विश्व से हमारा जुड़ाव कैसे होगा, किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में बॉस बनकर और सभी के गार्जियन बनकर आज प्रस्तुत हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री सभी देश के वो एक छत्र राजा की तरह बनते जा रहे हैं, और हमारा भारत देश पूरे विश्व में भारत का परचम लहराएगा, ये संदेश ये दिख रहा है। ये कोई कल्पना और कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये पूरा दृष्टिगोचर हो रहा है आज जी। इसलिए कर हम बहुत आह्लादित हैं, सभी को प्रसन्नता की आवश्यकता है, हम बहुत खुशी मनाएं, और चंद बस कुछ मिनटों के बाद ही
वह परिणाम भी हमारे सामने आने वाला है। बिल्कुल सर। आचार्य डीपी शास्त्री सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपने शब्दों में आज ये संदेश? मैं शुभ संदेश दे रहा हूँ कि देव गुरु की कृपा सनातन संस्कृति की विजय का पताका पूरे विश्व में फहर रहा है, और उम्मीद करते हैं और मंगल कामना भी करते हैं कि चंद्रमा अपना कार्य जो संसार के लिए, देश के लिए, देवताओं के लिए हर युग काल में किया है, उस पर हमारा मिशन कामयाब हो, हमारी मेहनत रंग लाए और भारत विश्व पथ पे चले, और विश्व के पटल पे आज हम अपने सनातन संस्कृति का, ज्योतिष का, नक्षत्र का, ब्रह्म योग का, संक्रांति इत्यादि पे जो चर्चा की है, ऋषि परंपरा की, जो ऋषि परंपरा में जिनके पुत्र चंद्रमा है जी, उस सब के लिए शुभकामना और सुभाषिश दे रहे हैं कि हमारा मिशन कामयाब हो। ठीक, आज का दिन ऐतिहासिक दिन, और सबसे खास बात ये रही कि पैनल में जितने भी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े, उन्होंने अपने अपने तरीके से सरल भाषा में ये समझाने की कोशिश की कि आज के दिन का महत्व तो क्या है और आज ज्योतिष क्या कुछ कहता है हमारे भारत के दृष्टिकोण को लेकर, जब भारत विश्वगुरु बनने का संकल्प ले चुका है कि हम जल्द से जल्द विश्वगुरु स्थापित होंगे, इस लिहाज से भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हरलीन कौर मैम आप जुड़ी, वाई राखी जी आप जुड़ी, प्रकाश जोशी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए लेकिन डीपी शास्त्री सर आप जुड़े, और साथ ही स्वामी दिव्यानंद महाराज जी आप जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस खास विशेष पेशकश में इतना ही, नमस्कार।